सहरसा में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी और उसकी स्पेशल विजिलेंस यूनिट की तरफ से ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। बता दें, निगरानी की स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने आज सुबह सहरसा के जेल अधीक्षक सुरेश चौधरी के ठिकानों पर छापेमारी की है। छापेमारी तकरीबन 5 से 6 घंटे तक चली तथा छापेमारी में कई सामान बरामद किया गया है। और आपको बता दें, निगरानी की स्पेशल यूनिट ने जेल अधीक्षक सुरेश चौधरी के सहरसा और मुजफ्फरपुर स्थित आवास पर छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। उनके सहरसा स्थित सरकारी आवास पर सुबह सुबह विजिलेंस की टीम पहुंच गई, जहां दो अलग अलग टीमों ने उनके आय और संपत्ति की जांच की है। बता दें, अधीक्षक सुरेश चौधरी के सरकारी आवास व सरकारी कार्यालय पर छापेमारी की गई है, जिसमें तकरीबन 10 लाख रुपए की बरामदगी की गई है। साथ ही कई महत्वपूर्ण कागजात भी बरामद किए गए हैं। मंडल कार्यालय और सहरसा के जिला अधीक्षक श्री सुरेश चौधरी के यहाँ शिकायत के आधार पर एक कार्रवाई हुई थी, जिसमें आय से अधिक संपत्ति का मामला विशेष निगरानी इकाई पटना ने दर्ज किया था। उसके आधार पर एक जांच अभियान चलाया गया था, जो उनके घर और सरकारी आवास पर चला। उसमें जो सारी सामग्री मिली, हम लोग क्या बरामद हुआ है, क्या बरामदगी हुई है, कैश कितने कैश, लगभग 10 लाख कैश है। और फिर लगभग सर गिनती जब हो गई तो फिर लगभग का क्या मामला, डाटा मुझे याद नहीं है। जमीन के कागजात लगभग 1 दर्जन कागजात के आसपास। कितने अमाउंट का, अमाउंट कहाँ से पता चला? जमीन का एकड़ तो होगा, कितने एकड़ की जमीन, विभाग से हम लोग पूछेंगे कि कितने का। जेवरात भी है, जेवरात ज्यादा नहीं, बहुत बड़ा जेवरात बरामद हुआ है। हो रहे हैं तो लोगों को था कि इनको सेवानिवृत्त नहीं होने देना है, बार बार बोलता था लोग, और इसी के तहत साजिश के तहत मुझे कब सेवानिवृत्ति है? 31 मई को, इसी महीना में सेवानिवृत्ति है। हम इसी महीना में सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जब मेरा सब कुछ अप टू डेट है, हर चीज़ सब ठीक ठाक है, तो जान के एक तो निगरानी में आवेदन दे करके और जान के हमको फंसाने का साजिश रचा गया, ताकि उलझ जाए, पेंशन रुक जाए, सेवानिवृत्त नहीं हो। तो एक साथ सर इतने जगहों पे छापामारी, इतने जगह नहीं, सिर्फ मेरे घर पर, घर पर जो घर पर वहाँ भी कुछ नहीं बरामद, घर पर जो कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए बरामद, एक रुपया बरामद नहीं है, करोड़ों, एक रुपया बरामद नहीं है, यहाँ भी नहीं है बरामद, 1 करोड़ 10 लाख रुपया की बात आ रही है, गलत है, 100% गलत है। ये जो 10 लाख रुपए थे, ये किस